अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खान्स किचन। आज की रेसिपी है मूंग दाल पकौड़ा, मूंग दाल भजिया की रेसिपी बता रही हूँ। देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी और टेस्टी और कलरफुल लग रहे हैं ये भजिए। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 1 ग्लास में मूंग दाल ले ली। इसको 3 पानी से अच्छे से वॉश करके 2-3 आवर्स के लिए मैं भीगने के लिए रख दी थी। अब इसमें ऐड करने वाले स्पाइसेस इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे हम। फ्यू या कोरिएंडर लीव्स है, कोथमीर जो वॉश करके रख ली, 2 ग्रीन चिल्लीस है, थोड़े करी लीव्स है, 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ज़ीरा ले ली और 1 टीस्पून मैं साबित धनिया ले ली। अब यहाँ फ्यू स्पाइसेस है जो कि है 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। ये स्पाइसेस मिर्च नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग ऐड कीजिए। अब एक ब्लेंडिंग जार में मैं सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं ऐड कर लूँगी। धनिया और ज़ीरा डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़रूर से आप लोग ऐड कीजिए। अब यहाँ स्पाइसेस भी ऐड करके जो सोख की हुई दाल थी उसका पानी निकाल दे के सिर्फ मूंग दाल ही ऐड करी मैं, और 2 टेबलस्पून जितना मैं वाटर ऐड करी। ज़्यादा नहीं ऐड करना है, थिक सा बैटर होना है। देखिए बैटर रेडी हो चुका है, ज़्यादा एकदम से बारीक भी नहीं करना है, अच्छा कोर्सली बैटर रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे एक छोटी सी मीडियम साइज अनियन ले ली मैं, बारीकली चॉप कर ली, वो भी मिक्सचर में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको ये मूंग दाल के भजिया पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये एज ए इवनिंग स्नैक भी आप लोग बना सकते हैं, रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर भी बना सकते, बहुत ही ईजीली बन जाते हैं। हम यहाँ पे मैं देखिए अच्छे से मिक्स कर ली हूँ अनियंस, ये बैटर में या ऑयल गरम होने के लिए रख दी। अब स्पून की हेल्प से मैं एक एक पकौड़ा ऑयल में ऐड करते जाऊँगी। आप चाहे तो हाथ से भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रख के इसको फ्राई करेंगे ताकि अंदर से ये मूंग दाल के पकौड़े कच्चे ना रहे। एक एक करके मैं ऑयल में भजिए पूरे डाल दूंगी, देख सकते हैं आप। हम लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक कर रही हूँ मैं। जैसे ही फ्लिप करूँगी, जब फ्लेम हाई करूँगी ताकि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए, लो फ्लेम से अंदर तक कुक होते हैं। जैसे कुक होते ही हम फुल फ्लेम पे रख के इसको अच्छे से क्रिस्पी कर हो के डार्क सा कलर गोल्डन आए तक हम फ्राई कर लेंगे। रेडी हो चुके हैं क्रिस्पी टेस्टी मूंग दाल भजिया, मूंग दाल पकौड़ा। चलिए मैं सर्व कर लूँगी। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।